जहां पर प्राधिकरण ने गरीबों की दर्जनों झुग्गियां तोड़ दी हैं। गरीब झुग्गी वालों को एक मिनट में बेघर कर दिया गया है। छोटी छोटी झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाया गया है। प्राधिकरण की जमीन पर इन्होंने झुग्गियां बना रखी थी। झुग्गियों में रखे खाने पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया है। कच्ची झुग्गी बनाकर गरीब मजदूर रह रहे थे। झुग्गी ढहने के बाद रोते दिखे यहाँ पर मासूम बच्चे। सेक्टर 42 में सड़क किनारे ये झुग्गियां बनी थी। तो खबर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज बुलडोजर चला है। नोएडा में प्राधिकरण ने दर्जनों झुग्गियां तोड़ी हैं। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर किस तरह से प्राधिकरण ने आज झुग्गियां तोड़ी हैं, झुग्गी वालों को बेघर किया है। एक मिनट में यहां पर सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया गया है। ये गरीब मजदूर थे जो यहां पर झुग्गियां बनाकर रहते थे, इनके झुग्गियां तोड़ी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिली, क्या तस्वीर है अभी? देखो, ये बात सही है कि हाँ, इन लोगों ने जो है अवैध झुग्गियां बना रखे थे, लेकिन जिस तरीके से इनके अवैध झुग्गियां उजाड़ी गई है, ये कहें वो आप, जेसीबी चलाई गई, घर के अंदर जो अनाज रखा हुआ था, खाने का सामान रखा था, चूल्हा था, ये सारे के सारी चीजें टूट गई। नोएडा में ऐसे बहुत से इलाके हैं हजारों की तादाद में जहाँ पर अवैध कब्जा है, किसानों का कब्जा है, बड़े बड़े बिल्डरों का कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों पर कार्यवाही नहीं होती। लेकिन हाँ, ये गरीब मजदूर जो कि दो वक्त रोटी के लिए दर-दर भटका करते हैं, अपने आशियाना बना लेते हैं सड़क के किनारे, उनके ऊपर इस तरीके से इंसानियत को दूर करके, दरकिनार करके जिस तरीके से जेसीबी चलाई गई, वो अपनी आप में मंशा सवाल खड़ा करता है नोएडा विकास प्राधिकरण पर कि आखिर गरीबों के लिए ही सारे कानून क्यों। नोएडा में आज वैसे ही कोरोना काल है, गरीबों पर मार है, और ऐसे में उन पर ये कार्रवाई भारी पड़ती नजर आ रही। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया मोहब्बत से। अगली